हेलो एंड वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो गाइस। तो अपन लोगों के पास आ चुकी है एक नई कार जो कि किया की सोनेट एसटीके प्लस वेरिएंट है। कार स्टूडियो के पास आया है गाड़ी, देख लो प्रॉपर एड्रेस और फ़ोन नंबर शो है आपको कार स्टूडियो का, सुंदर प्लाजा अब्दुल अजीज रोड पे। और अपने पास आई है सोनेट, तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होने हैं, सीट कवर्स लगने हैं, साइड विनिस लगनी है, रिफ्लेक्टर्स लगने हैं, जो जो चीज़ें इसमें मेनली होना है। देखो अंदर की तरफ स्टेयरिंग को रैप किया जा रहा है अभी और ललन वेयर स्टेयरिंग को रैप कर रहे हैं। तो एक बार जैसे काम खत्म होता है आपको फाइनल शॉट दिखाऊंगा, उससे पहले आपको मिलवा देता हूँ इसके इनके प्राउड ऑनर से। तो भाई लोग मिलो अपने किया सोनेट के प्राउड ऑनर रहने वाले, तो भैया एक बार अपना नाम बता दीजिए। भाई मेरा नाम रोहित शिकरवार है। ठीक है, आप कहाँ से आए? मैं अभी ग्रेटर नोएडा से हूँ पर रहने वाला आगरा का हूँ। ठीक है, तो आपने गाड़ी कब ली थी किया सोनेट? ये गाड़ी भैया हमने परसों फ्राइडे को उठाई शाम को। फ्राइडे को आपकी इसकी डिलीवरी मिली थी? Yes. और बुकिंग कब कराई थी आपने? बुकिंग कराई थी दोस्त हमने 22 जून कह रहा हूँ। 22 जून कह रहा हूँ। काफ़ी हैवी वेटिंग है इस गाड़ी की। हाँ, वेटिंग काफ़ी फॉलो करने के बाद फिर फाइनली हमें परसों डिलीवर हुई। ओके ठीक है, तो आपने जो चूज किया था वेरिएंट आपको वही मिला? हाँ, जो चूज़ किया था कलर मॉडल ही एसटीके प्लस है। ठीक है, और बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस और रिव्यू भी था, इसी वजह से फिर हमने ये वेरिएंट सेलेक्ट किया। ठीक है, तो आप भैया के पास कैसे आए वैसे काम कराने के लिए? भैया के यार नाम बड़ा है मार्केट में, एक्चुअली मेरे बड़े भाई ने मेरे को सजेस्ट किया। ठीक है, इसमें आर्मी में है, उन्होंने बोला कि बेटा एक कार स्टूडियो नाम से एक है अपना करोल बाग में। ठीक है, उनके साथ आप एक बार जुड़ के देखें, क्योंकि ऑलरेडी उनके कई फ्रेंड्स ने यहाँ से कार मॉडिफाई कराई है। ओके, एंड देयर रिजल्ट्स आर वेरी गुड। ओके ठीक है, ऑन दैट बेसिस आई केम टू यू। ओके, सो फ्रेंड्स आप भी आओ सुभाष भैया से काम कराओ। और बेसिकली देखो अपनी पास ये रही किया सोनेट एसटीके प्लस वेरिएंट, तो इसमें जो जो मॉडिफिकेशन होने हैं मैं आपको फाइनल शॉट दिखाऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहो, वीडियो काफ़ी अमेजिंग बनने वाली है। और किया सोनेट काफ़ी अच्छी गाड़ी भी है, तो इसका फाइनल काम होने देते हैं, उसके बाद फिर आपको फाइनल शॉट मैं दिखाता हूँ। सो भाई देखो सारी चीज़ यहाँ पे खुली हुई है और बैक बम्पर ओपन है, एंड ये कुछ इस टाइप का रिफ्लेक्टर रहने वाला है। यहाँ पे सोनेट मेंशन भी अगर आपको दिख रहा हो तो देख सकते हो, सोनेट मेंशन है, ड्यूअल टोन में रहने वाला है, ब्लैक कलर की सी बॉडी है, एंड हाफ जो पार्ट है वो रेड ब्लिंक करता है एंड हाफ जो है वो वाइट ब्लिंक करता है, तो काफ़ी अच्छा लुक इसका निकल के आने वाला है। तो यहाँ पे भाई अपना फिट कर रहा है इसको, तो भाई देखो ललन भैया फाइनली इसको OEM फिटमेंट के साथ रैप कर रहे हैं स्टीयरिंग कवर को, एंड अपनी सोनेट का कुछ अपना इंटीरियर का लुक ऐसा रहने वाला है। देखो पीछे सारी अपने जो सीट्स है ओपन हो रखी है, अभी सारा किसमें काम होने वाला है। ये देखो राहुल बाबू यहाँ पे सारा कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं, रिफ्लेक्टर लगा दिया इसने इधर, और अपना इधर की तरफ भी देख लो प्रॉपर यहाँ पे रिफ्लेक्टर इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे देख सकते हो। एंड ये कुछ वायरिंग है, कोई वायरिंग आपकी कट नहीं होगी, प्रॉपर कपलर टू कपलर फिट हो जाएगा सारा। तो भाई ये देखो अपना प्रॉपर रिफ्लेक्टर इंस्टॉल हो चुका है इसमें, और ये ड्यूअल टोन में रहने वाला है। जो सोनेट आप देख रहे हो वाइट कलर में ब्लिंक है, एंड जो अदर पार्ट देख रहे हो वो रेड में है। एंड सो भाई देखो प्रॉपर अपना OEM फिटमेंट के साथ यहाँ पे स्टीयरिंग को रैप किया गया है, और ये ललन भैया ने किया है। सो भाई सारा काम देखो प्रॉपर में अपना इंटीरियर में ऐसा कुछ काम हो रहा है, ATM लाइट लग रही है, एटमोसफेयर लाइट, और 70 मैट्स लगने हैं। सीट्स की ओपनिंग देख लो, पूरी सीट अभी ओपन हो रखी है अपने, और इसमें सारा काम अभी सीट कवर का लगने वाला है, तो जैसा फाइनल होकर आता है मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये कुछ अपना इंटीरियर का लुक है किया सोनेट एसटीके प्लस का। तो आपको ऑलरेडी दिखा दिया विंडो क्रोम गार्निश प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है इस गाड़ी में। तो भाई देखो इसमें प्रॉपर अपना क्रूज़ कंट्रोल इंस्टॉल हुआ है, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल इस वाले मॉडल में अपना आता नहीं है, तो आफ्टर मार्केट भी यानी इंस्टॉल कराया क्रूज़ कंट्रोल, और ये OEM रहने वाला है, तो प्रॉपर आपका वर्क करेगा ये। आप देखो किया अपनी कुछ इस टाइप की की देती है। तो भाई देखो अपनी ATM लाइट इंस्टॉल हो रही है, प्रॉपर कपलर टू कपलर फिटिंग है, कहीं से कोई वायरिंग कट नहीं होने वाली आपकी, सो आपकी कोई भी वारंटी वॉइड नहीं होती इससे, तो प्रॉपर कपलर टू कपलर फिटिंग है। एंड पीछे की तरफ देखो अपने सीट्स आ चुके हैं, तो एक बार जैसे इसकी इंस्टॉलेशन होती है आपको फाइनल शॉट में दिखा दूंगा वीडियो का। तो भाई किया सोनेट में अपना फ्रंट में भी काफ़ी काम होना है, लाइक इसमें अपनी IPH के प्रोजेक्टर लगने वाले, HID AB5 के लगने वाले, और काफ़ी सारे काम होना है इसके अंदर। जैसे इंस्टॉलेशन होती है सारी चीज़ आपको दिखा दूंगा, तो एक बार वीडियो के साथ बने रहो। ये अपना देख लो इंजन का कुछ ऐसा लुक रहता है अपने किया सोनेट का। देखो प्रॉपर डायमंड फिट वाले इसमें, डायमंड कट वाले इसमें पूरे सीट्स इंस्टॉल हो रहे हैं, सो प्रॉपर फिटिंग है इसकी किया सोनेट के लिए। तो और इधर की तरफ देखो प्रॉपर अपना एटमोसफेयर लाइट इंस्टॉल हो रहा है, स्टीयरिंग कवर पूरा स्टिच हो गया है, और ATM देखो इंस्टॉल हो चुका है, उसकी फिटमेंट बाकी है, और कलर चेंज करके भी भाई दिखाएगा आपको। तो देखो कलर चेंजिंग पूरा प्रोसेस रहने वाला है, एंड कहीं से कोई आपकी वायरिंग नहीं कटी, जिससे आपकी कोई वारंटी वॉइड नहीं होती। सारा काम हुआ अपना कार स्टूडियो पर, सुंदर प्लाजा अब्दुल अजीज रोड पर पड़ता है सर का शॉप करोल बाग में, और सुभाष भैया मिलेंगे और चावला भैया भी मिलेंगे, तो आप दोनों नंबर फ्लैश हो रहा होगा नीचे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आकर के मिलो और अपने लिए सारा काम कराओ। तो भाई देखो अपना भैया यहाँ पे प्रॉपर फिटिंग कर रहे हैं सीट्स की, और एक किया सोनेट के सीट रहने वाले पीछे वाले, तो इसकी फिटिंग जैसे होती है आपको फाइनल वीडियो में दिखाऊंगा, तो एक बार बने रहो वीडियो के साथ, वीडियो काफ़ी अमेजिंग बनी है, गाड़ी काफ़ी अमेजिंग तैयार होने वाली है, तो देख लो भैया को। भैया एक बार नाम बता दो अपना। याकूब। तो याकूब नाम है भैया का, भैया से आकर के मिलो, अपना काम करा लेना,
काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और तसल्ली से काम करके आपको देने वाले। सो ओवरऑल भाई देख लो अपना रिफ्लेक्टर की प्रोफाइल को जैसे रहने वाली है। सो ये हाफ एंड जो है ये है सोनेट जिस पर मेंशन हो रखा है, ये वाइट एलईडी में है, जो ब्लैक रेड में देख रहे हो रेड टेक्सचर में, ये प्रॉपर अपना मैट्रिक्स टाइप में रहने वाला है। सो कुछ इस टाइप का प्रॉपर अपना रिफ्लेक्टर इंस्टॉल हुआ है इसके अंदर। इस साइड से भी देखो काफ़ी अच्छा और प्रीमियम लग रहा है लिखने के बाद, जिसमें सोनेट जो लिखा हुआ था काफ़ी प्रीमियम टेक्सचर इसको प्रोवाइड करता है। एंड ये किया कि सोनेट है अपनी। भाई भैया देखो यहाँ पे स्टिकर इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो यहाँ पे जाट मेंशन हो रखा है कि इसकी फिटिंग करने दो। और ये भैया लगा रहे हैं। भैया आपका नाम क्या है? निक्की। सो भैया का नाम निक्की है और आप भैया यहाँ पे स्टिकर को मेंशन कर रहे हैं। देखो प्रॉपर तरह से इसकी स्टिकरिंग की जाती है। सो देखो प्रॉपर यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। और काफ़ी सही लग रहा है लगने के बाद। भाई देखो मुस्टैचे टाइप में यहाँ पे पूरा बना हुआ है, तो काफ़ी सही लग रहा है दिखने में। भाई देखो ऑन द सेम टाइम अपने पास एक और सोनेट आई है और ये सनरूफ वाली रहने वाली। देखो ऊपर तो इसमें कुछ बेसिक काम थे जो सर को करवाना था, तो आप आओ भैया के पास कार स्टूडियो पे और सारा काम कराओ। बेसिकली भैया सोनेट में काफ़ी अच्छा काम करके देते हैं। सोनेट हो मैग्नाइट हो एंड अर्टिगा हो, तो इन सब में भैया काफ़ी स्पेशलिस्ट है, काफ़ी अच्छा काम करके देते हैं और आप अपने लिए काम करा सकते हो अपनी कार में। तो ये बेसिकली अपनी दूसरी सोनेट है, ये सोनेट है अपनी, काम हो रहा है इस पर। और ये देखो इस पर भी कुछ काम हुआ है, ये रिफ्लेक्टर प्रॉपर यहाँ पे इंस्टॉल हो रखा है। एंड ये सारा काम किया छोटे से भाई ने, राहुल भाई है, इनसे करा लेना, बहुत अच्छा काम करके देगा आपको। और ये अपनी सोनेट है जिसपे सारा काम हो रहा है। तो भाई देखो जैसा कि आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ये अपनी प्रॉपर लाइट रहने वाली किया सोनेट की। और अभी ये प्रॉपर अपना बन के तैयार हो चुका है। इसमें एलईडी डीएल देखो ड्यूअल टोन में आता है और अंदर जो रिंग लाइट है उसमें भी काफ़ी सारा काम, मतलब वो भी आपको एक तरह से काम करेगा एज अ इंडिकेटर। तो ड्यूअल टोन में आपका इंडिकेटर रहने वाला है। एंड पीछे की तरफ आप देख लो काफ़ी अच्छी तरह से इसकी फिटमेंट हुई है प्रॉपर, इसमें इतने सारे वायरिंग्स निकल के आई। तो इसकी फिटिंग जैसे होती है आपको फाइनल शॉट में दिखाऊंगा। लाइट को ऑन करके बेसिकली भैया वहाँ पे फिटिंग कर रहे हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देखो। सो अपनी जो HID है उसकी रिले वायरिंग है विद फ्यूज़, तो कभी अगर कोई इशू आता है तो फ्यूज़ आपके यहाँ से जाएगा, कोई वायरिंग आपकी शॉर्ट नहीं होने वाली। तो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहने वाला है। तो पहले भैया को वायरिंग करने देते हैं, उसके बाद आपको फाइनल इसका लुक दिखाता हूँ कैसा निकल के आया है। सो ये देख लो प्रॉपर अपनी लाइट बन के तैयार हो चुकी है। सो भाई ऑन द सेम टाइम देखो यहाँ पे एक STX यहाँ पे आई हुई है, जो कि किया सोनेट STX है, तो उसकी भी लाइट देख सकते हो। और एज़ कम्पेयर टू द प्राइस सेगमेंट ये 75,000 का, ये ओनली 16,000 का आपका दोनों तैयार हो जाता है। तो आप बेसिकली अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी लाइट लगवाना चाहते हो। तो मेरे को पर्सनली बताऊँ तो ओपिनियन मेरा ये है, क्योंकि इसमें एक तो प्राइस सेगमेंट में भी अच्छा है, प्लस DRL का जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छा क्रिएट होकर निकलता है। और पहले भैया को करने देते सारी फिटमेंट। ये देखो इसमें बस एक ही डाउनफॉल है कि इसकी जो प्रॉपर जो सील होती है वो खुलती है, बट इसको प्रॉपर वापस सील किया जाता है, जिससे आपकी कोई भी तरह का मॉइस्चर अंदर नहीं जाएगा। तो ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप क्या कराना चाहते हो अपनी गाड़ी में। और ये पूरी आपकी चॉइस रहने वाली है कि आपको कौन सा लाइट बनवा के लेके लगवाना है। और नीचे की तरफ देखो प्रॉपर अपना प्रोजेक्टर इंस्टॉल हो चुका है, और इसमें जो इंस्टॉल हुआ है HID AB5 का इंस्टॉल हुआ है 55 वाट का, और विद ब्लास्टर रहने वाला है। तो देखो इसका बेसिकली क्या है कि इसमें ना अपना फ्यूज़ इंस्टॉल हुआ है, तो फ्यूज़ से क्या बेनिफिट होता है कि अगर आपके इनकेस कभी शॉर्ट सर्किट भी होता है किसी चीज़ में वायरिंग में, तो आपका फ्यूज़ जाएगा, आपकी कोई HID पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो भैया ने इसको प्रॉपर यहाँ पे फिट किया है, उसके बाद यहाँ पे लाइट की इंस्टॉलेशन चालू है। तो भाई अगर आपको ओरिजिनल लाइट लगवाना है आप ओरिजिनल लगवा सकते हो, जिससे टॉप एंड वेरियंट में आता है जो कि इसमें यहाँ पर लगा हुआ है। बट कंपेयर कर लेना यार, आपको अगर 75,000 रुपये खर्चने हैं तो आप वो लगवा सकते हो। बाकी एज़ कम्पेयर टू रियल लाइफ ये बहुत बढ़िया लग रहा है दिखने में, और इसमें जो LED का थ्रो है वो भी काफ़ी सही आएगा आपको, और LED DRL भी काफ़ी सही लगता है दिखने में आफ्टर मार्केट जो इंस्टॉल हुआ है। और ये प्रॉपर इसकी फिटमेंट हो रही है, अभी देख लो। ये देखो प्रॉपर जलने के बाद कितनी बढ़िया लुक इसका निकल के आती है। अंदर की तरफ रिंग देखो और ऊपर की तरफ DRL देख लो, काफ़ी प्रीमियम लगता है दिखने में। तो भाई अपना एक बार और देख लो इंटीरियर से लुक, प्रॉपर बकेट फिटिंग के साथ डायमंड कट में अपने सीट कवर्स रहने वाले। एंड देखो यहाँ पे एटमोसफेयर लाइट भी इंस्टॉल होने रह गए, इसका कनेक्शन सारा हो चुका है, इंस्टॉलेशन अभी बाकी है। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल अपना ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, और स्टीयरिंग माउंटेड तो उसमें पहले से आता है, क्रूज़ कंट्रोल अभी सर ने इंस्टॉल करवा लिया है इसमें। एंड ये देखो प्रॉपर फिटिंग इसकी, काफ़ी प्रीमियम लुक इसके केबिन को बना देता है। भाई देखो यहाँ पे भैया ने रेन वाइजर इंस्टॉल नहीं करवाया, बट यहाँ पे प्रॉपर क्रोम की अपनी गार्निश हुई है, इससे लुक गाड़ी में काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। ये देखो प्रॉपर यहाँ पे हैंडल क्रोम भी इंस्टॉल हुआ है, इधर भी देखो प्रॉपर गाड़ी में हैंडल क्रोम अपना इंस्टॉल हुआ है, ये भी प्रॉपर आप देख सकते हो विंडो क्रोम गार्निश यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे देखो कुछ अपनी प्रॉपर लाइट की फिटमेंट कुछ ऐसी आने वाली है।
अंदर से भी अपनी जो रिंग लाइट है वो भी व्हाइट कलर की जलती है, व्हाइट LED में। तो अपने ऊपर की तरफ से देखो व्हाइट कलर की DRL भी इसमें इंस्टॉल है, अंदर रिंग लाइट में भी DRL है। और ये कुछ अपना ओवरऑल गाड़ी का लुक रहने वाला है। किया सोनेट STK प्लस वेरियंट है ये, और ये रहे इनके ऑनर। आपको मैं मिलवा दूंगा ओनरशिप रिव्यू, उनको कैसा लगा अभी तक गाड़ी, और जो गाड़ी में इन्होंने काम करवाया उनको रिस्पॉन्स अभी तक कैसा लगा, सारा काम हुआ कार स्टूडियो पे। सुभाष भी और चावला भी आपको मिलेंगे, आकर के मिल लेना, अपना काम करवा सकते हो। एंड ये कुछ अपनी गाड़ी है, तो एक बार फाइनल लुक ऑन देते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। भाई बहुत टाइम क्या होता है ना, इसकी फिटमेंट सही नहीं आती, तो यहाँ पे आपके हाथ कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पे प्रॉपर देखो स्नग फिट है, कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा स्पेस आपको नहीं दिखेगा जिसमें आपका हाथ अटकने वाला है, तो कटेगा नहीं, कटने के चांसेस काफ़ी कम है। अब देखो अपना ATM लाइट इंस्टॉल हो गया है, और बाबू पीछे की तरफ भी इंस्टॉल कर रहा है। राहुल नाम है इसका, छोटा सा है लेकिन काम बड़े धमाकेदार करता है। और अंदर की तरफ देखो प्रॉपर अप्रॉपर अपना केबिन कुछ इस तरह का है, किया सोनेट STK प्लस वेरिएंट। सो बेसिकली देखो अपने सारे जो पावर विंडो कंट्रोल हो गए, और अपने ओरा बीम कंट्रोल सारे आपको यहाँ पे इस वाले डोर पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इस पर और कोई काम करवाना हो, सॉफ्ट टच मटेरियल भी लग जाते इस पर ईजिली। और अगर आपको इसे GT लाइन में भी जाना, तो उसकी भी सारी जो चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती है, आफ्टर मार्केट भी ओरिजिनल OEM फिटमेंट वाली। और यहाँ पे देखो प्रॉपर अपना क्रूज कंट्रोल का जो यहाँ पे सारा एक्टिवेट अपन ने कर रखा है, किया सोनेट STK प्लस वेरियंट। और इसमें जो देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर अपना क्रूज कंट्रोल आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हुआ है, क्योंकि STK प्लस वेरिएंट में अपना जो क्रूज कंट्रोल आता नहीं है। और ये पूरा सेंटर कंसोल आप देख सकते हो, तो आप सबको पता ही है कैसा क्या आता है। और इधर की तरफ देखो ATM लाइट प्रॉपर यहाँ पे इंस्टॉल हुई है, 70 मैट्स इंस्टॉल हो चुके हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो प्रॉपर इसकी मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। सो भाई देखो यहाँ पे प्रॉपर इसके लाइट चेंज हो रहे हैं, जिस लाइट में आप करना चाहो कर सकते हो, आप म्यूज़िक के ऊपर भी कर सकते हो। सो ये सारा अपना पूरा देखो ये ब्लिंक कर रहा है, एंड ये प्रॉपर लाइट्स है, तो आपके अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो आपको कैसा अपना एनवायरनमेंट चाहिए केबिन का। और इधर की तरफ देखो प्रॉपर अपने सीट्स इंस्टॉल हो चुके हैं, बकेट फिटिंग में अपने प्रॉपर जो आते हैं डायमंड कट वाले, तो प्रॉपर उसकी फिटिंग है। इसमें वैरायटी आपके पास बहुत सारी मिल जाती है, तो आपको जो वैरायटी आपको पसंद हो अपने लिए लगवा सकते हो। एंड ये प्रॉपर अपना बैक लुक से रहने वाला है अपना प्रोफाइल, किया सोनेट STK प्लस वेरियंट वाला। और ORVM की अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे देखो कंट्रोल्स यहाँ पे सारे दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखो ये ऑफ हो जाएगा अभी, और सेम बटन को पुश करने पे ये ऑन हो जाता है। इनके सारे कंट्रोल्स यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, ये तो कंपनी से आते हैं। बाकी अगर आपको कोई डोर पे काम करवाना हो, तो आप अपन वेरिएंट में जा सकते हो, सॉफ्ट टच मटेरियल लगवा सकते हो, और इनके ऊपर वो भी क्रोम वाले जो चीज़ें आती है सारी इंस्टॉल करवा सकते हो अपनी गाड़ी में। और ये अपना है कुछ इंटीरियर लुक, किया सोनेट STK प्लस का, तो ये सारा काम हुआ है भाई अपना कार स्टूडियो करोल बाग में। तो आप आओ अपने भैया से मिलो, सुभाष भैया और चावला भी आपको मिलेंगे। पर दोनों भैया के नंबर डिस्प्ले हो रहे होंगे, और डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर मैं मेंशन कर दूँगा, आप आकर के मिल सकते हो भैया से, अपना काम करा सकते हो। सो गूगल मैप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली आकर के विजिट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको बाहर का लुक दिखा देता हूँ, बाहर का कैसा लुक निकल के आया गाड़ी का। तो देखो प्रॉपर अपना भाई यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है। भाई अपना फ्रंट से प्रोफाइल देख लो, किया सोनेट STK प्लस वेरियंट, और इसमें जो अपना है हेडलाइट प्रॉपर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। एंड यहाँ पे भाई थोड़ा बहुत जो काम रह गया वो कर रहा है, उसके बाद फाइनल शॉट आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो में, वीडियो के साथ बने रहो। सारा काम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कार स्टूडियो पे हुआ है, सुभाष भैया और चावला भैया मिलेंगे आपको, आकर के मिल लेना। और यार साउंड के लिए प्लीज़ सॉरी, करोल बाग की मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा साउंड यहाँ पे रहता है। और आप आओ सुंदर प्लाजा अब्दुल अजीज रोड पे, मिलो भैया से और सारा काम करवा लो। सही फ्रंट से आपको सारी लुक दिखा दिए, अभी तो अपना हेडलाइट जो इंस्टॉल हुआ है इसके अंदर सारा काम हुआ था। थ्रो दिखाया था, थ्रो कैसा है, क्योंकि दिन है तो विजिबिलिटी आपको उतनी अच्छी लगेगी नहीं। बड़ी बार आपको DRL और इंडिकेटर दिखाया था कैसा लगता है ऑन होने के बाद। ऑन करना आपको एक बार DRL, तो भाई देखो DRL का कुछ ऐसा है, और रिंग भी देख सकते हो, रिंग और प्लस ये DRL दोनों साथ में ऑन होने के बाद काफ़ी अच्छे लगते हैं। इंडिकेटर ऑन करने के बाद तो देखो ये इंडिकेटर में कुछ ऐसा फ्लोट होता है, तो काफ़ी प्रीमियम लुक इसका निकल के आ रहा है। एंड ये कुछ रहने वाली अपनी किया की सोनेट STK प्लस वेरियंट। प्रॉब्लम देख रहे हो आप, इसमें जो स्टॉक आते हैं जो अपने हेलोजन वाले वो रहने वाले। और ये कुछ है अपना बनने के बाद, काफ़ी क्लासी लुक लगता है। और HID इसके अंदर इंस्टॉल हुए थे, HID आपको पता है गर्म होने का काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है, तो अगर आप हाईवे का रन ज़्यादा आपको, तो आप इसके साथ जा सकते हो। और इधर की तरफ देखो ये अपनी है ओरिजिनल, काफ़ी अभी क्लासी लगती है, बट आप इसके साथ भी जाओ काफ़ी आपका सही रिस्पांस मिलने वाला है इसके साथ भी। तो अगर आप आफ्टर मार्केट कराना चाहते हो, तो काफ़ी बजट फ्रेंडली में आप ये सारा काम आपका हो जाएगा। और ये देखो ये अपने ओरिजिनल वाले हैं, ये 75 के हैं और ये 16,500 के रहने वाले, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस है आपको देखने को मिलेगा। कार स्टूडियो के नाम से शॉप पड़ने वाली है, सुभाष भैया से मिलो और चावला भैया से मिलो और आकर के अपना काम कराओ। एंड बेसिकली अपना ये लुक रहने वाला है, किया कि सोनेट STK प्लस वेरियंट था अपना ये। तो फाइनली इसमें सारा काम हो चुका है डन, आपको मैंने सारी वीडियो ऑलरेडी दिखा दी है। तो ऑनरशिप रिव्यू रह गया, आपको मैं भैया से मिलवा देता हूँ अभी, उनको कैसा लगा अभी तक का सारा काम गाड़ी में। सो आप मिल करके उनसे सारी बातें कर सकते हो।
सो भाई लोग मिल लो अपने प्राउड ओनर जो कि किया सोनेट एस टी के प्लस वेरिएंट वाले के। भैया आपने क्या क्या काम कराया बेसिकली गाड़ी में? देखो इसमें मेजर जो चेंज था हमारा एस टी के प्लस मॉडल ऑलरेडी है, इसमें हमने मेजर जो चेंज कराया था वो मैंने डी आर एल हेडलाइटर ठीक है और उसके अंदर प्रोजेक्टर रिंग और एच आई डी बल्ब ठीक है, जो कि गाड़ी का सबसे मोस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है ठीक है, हेड टर्नर बोलते हैं ना। हाँ हाँ लाइक गाड़ी में अगर जब तक आपका डी आर एल ना हो तो गाड़ी मज़ा नहीं आता ठीक है। एंड उसके अलावा मैंने सीट कवर डलवाए हैं ठीक है, टॉप मॉडल में हमारे जी टी लाइन में डलते हैं ठीक है, बकेट फिट वाले डलवाए अपने फिर, और 70 मैच डलवाई है ठीक है, और एक एटमॉस्फेरिक लाइट डलवाई है जो आपके आप जब रात में ड्राइविंग करो तो एक केबिन का फील भी आना चाहिए बिल्कुल, और रियर साइड में एक अपना रिफ्लेक्टर लगवाया है ठीक है, लेटेस्ट ट्रेंडिंग में है जिसमें सोनेट की बैचिंग आती है ठीक है, ये मेरा ओवरऑल है, और साइड गार्निशिंग क्रोम में डलवा ठीक है। तो विंडो क्रोम गार्निश भी इंस्टॉल हो चुका है, तो भैया आपको सारा काम कैसा लगा यहाँ पे? काम जैसा मैंने पहले भी कहा था कि सुभाष भाई के काम पर शक नहीं किया करते बिल्कुल, मार्केट में 10 लोग हैं लेकिन यू नो अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो उनके काम की बदौलत ही हूँ ठीक है, और मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ और इनकी क्वालिटी से भी, और एक तो इनका नेचर भी जेन्युइन है ठीक है बिल्कुल सही बात है, भी आप जब बात करोगे तो कहीं से भी आपको नहीं लगता यार मैं किसी फ्रॉड की दुकान का बिल्कुल बिल्कुल, तो आई एम 100% सेटिस्फाइड ओके, और मैं बाकी यूट्यूबर्स और बाकी लोगों को भी बोलूँगा कि प्लीज़ आप अगर आएँ तो करोल बागवानी की दुकान से अपना काम ठीक, थैंक यू सो मच।